हेलो फ्रेंड्स, ये जो चेक टी आपन देखुछन एटा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रो चेक, तो वर्तमान चेक केमिति लिखा जाय पारिबो मु से विषय आपन डिटेल्स जणेबी। तो आपने वीडियो देखंतु आउ वीडियो को स्किप करिवेने आरम शेष पर्यंत देखंतु। जदि वीडियो पसंद होचे मो चैनल को आपन लाइक कमेंट सब्सक्राइब निश्चित रूपे करन। तो देखंतु ए जो लिखि ए जो डेट मंथ ईयर लिखाई छे ना, ए जो बॉक्स अछि ए बॉक्स रे आपन कोन लिखिवे तारीख लिखिए, जो तारीख रे आपन जहाको चेक देबे बा नीचे पैसा उठे बैंक को जाके से दिन रो तारीख टे आपन पकेबे। आउ एक कथा मन रखंतु, जो मनकर डेट आपन पकेई दिसंती तो डेट रो गणि गणि 3 मास पछन चेक रे वैलिडिटी रहिबो। 3 मास पर जदि चेक टे आपन भरि जिबा सेटा काम करिवो नाही। तब देखंतु ए जो पे लिखाई छि, जदि बैंक रो नीचे पैसा उठेबे एठे आपन लिखि देबे सेल्फ SELF, निज नाम लिखिबेनि, एठे केवल लिखि देबे सेल्फ, बुझि पारले। तापर मनकर आप 50,000 उठेबे चेक रे कौन करिया पड़े, ये जो रुपीज लिखी थे देखो, जो रुपीज लिखा है आप लिखी देवे अक्षर लिखे 50,000 ओनली, बुझिपारे। आठ जो बॉक्स टी दे बॉक्स भितर आप कौन लिखे अंक लिखे 50,000 को ये अंक लिखे, बुझिपारे। तापर देखो ये जो अकाउंट नंबर कही अकाउंट ये आप बैंक अकाउंट निजर अकाउंट नंबर यहाँ। तापर देखो ये सिग्नेचर करने आप सिग्नेचर सब जो नाम लिखाई आर उपर ही सिग्नेचर करेंगे, आ तले सिग्नेचर करेंगे चेक टी भैलीड हो। तो ये जो देखो आप बेले बेले आप पचार लोक मैंने चेक रंबर कौटा, आप विभिन्न अफिसील जापर चेक रंबर एक्चुअली कौटा, ये जो 6 डिजिट आप देखिपारे यहाँ हूँ आप चेक नंबर। आई डिजिट देखिपारे आप कह MICR कोड, आई जो देखुं नंबर 6 नंबर अच्छे यहाँ हूँ RBI अकाउंट नंबर। आज जो 3-1 लिखी जो लास्ट 2 डिजिट नंबर यहाँ कह ट्रांजेक्शन ID, बुझिपारे। तो बर्तमान देखते ये तो आप बर्तमान जाणी निजे पैसा उठिले कौन करा पड़े, जदि चेक आप आउ जन को देवे मन रखु, जदि चेक आउ जन को देवे किमी चेक लिखा पड़े से बहुत इम्पोर्टेंट। तो देखो मुझे चेक टी बर्तमान पूरण करी, मनकर आप जन को चेक देवे गोटे लोकर ना चेक देवे ना हो रवि कुमार, तो ये आप पे लिखाई निज नाम लिखिदेवे गोटे ना ये लिखिदेव लिखि सारे कौन करेंगे, प्रथम आप तारीख टी पकईदे जो तारीख आप चेक देवे से तारीख टाक पकईदे मनकर 15 तारीख 15 लिखे 1-5 मस लिखे 1-10-2022 लिखीदे आप तारीख टी पूरण होगा तर नाम लिखीदे के चेक देवे आप मनकर 20,000 टाक चेक देवे ये लिखि नि 20,000 रुपीज 20,000 आउ रुपीज लिखा दरकार नहीं, जो रुपीज अलरेडी पूर्व लिखाई। तो ये जो बॉक्स टी देखुं ये आप 20,000 टाँग लिखा पड़ो, देखते कौ प्रकार लिखे ये जो गार टे देखुना आप गार को लगे सब लिखु थे बुझिपारे 20,000 लिखिदे ये प्रकार। तो बर्तमान आप सिंपल कौन करेंगे ये आप सिग्नेचर करदे निजर, जमी आप बैंक स्पेसीमेन सिग्नेचर थी डी टू सेमती ही एक फुल सिग्नेचर करूँ बा हाफ सिग्नेचर करूँ करदे कर सारापर ए चेक टी आप लोक को दे पारे। किंतु गोटे प्रॉब्लम अच्छे आपड़ी केवल फ्रंट चेक फ्रंट पेज आप सिग्नेचर कर लोक को देदेव सी बैंक पैसा उठे पार ना, तो आपड़ी चाहूँ चेक टी नहीं सीधा पैसा उठाओ बैंक रू आप कौन करा पड़ो, ए पछपटे चेक रछपटे चेक पछपटे आप गोटे सिग्नेचर करवाक पड़ो, सिग्नेचर करदे कर सर जहाँ आप चेक देते तार सिग्नेचर करने कह रवि कुमार, सी रवि कुमार ये निजर तार सी नाम लिख लिखि सारे आप लिखिदेवे सिग्नेचर अटेस्टेड ए प्रकार आप लिखे आप सिग्नेचर टाइम भेरीफाए कर प्रकृत लोक चेक दे लोक कौन कर चेक टी धरिकी बैंक को जो बैंक मैंने से देखिए पछपटे सिग्नेचर है से लोक को पुणी से बैंक वाला कहे पुणी आ गए सिग्नेचर ये कर चे ए सिग्नेचर और ये सिग्नेचर मैच हो ना ना, जी मैच हो गला सी पैसा देदेब। जदि आप चाहते तार अकाउंट चेक टी डिपोजिट हो तो आप कौन करेंगे लिखाई सेमती ही लिखे, जमी रवि कुमार लिखाई 20,000 ओनली लिखाई 20,000 अंक लिखाई ये डेट पड़ी आप कौन करेंगे सिंपल ये गोटे दीटा गार पकईदे आर अर्थ होउछि अकाउंट पे चेक।
ମାନେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ, ସେ ପଇସା ଉଠାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ଚେକ୍ଟିକୁ ନେଇକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ, ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ଫି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ, ଏ ସି ପେ ଇ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ଏ ସି ପେ ଇ ପି ଏ ୱାଇ ଇ ଏ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲେଖିକି ତାକୁ ଚେକ୍ ଦେଇପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି କ୍ୟାନସଲ୍ ଚେକ୍ ଯଦି ଜଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ୍ୟାନସଲ୍ ଚେକ୍ ଆପଣ କେମିତି ଦେଇପାରିବେ? ସିମ୍ପୁଲି ଏଇଠି କିଛି ଲେଖିବେନି, ଜଷ୍ଟ ସି ଏ ଏନ୍ ସି ଇ ଏଲ୍ ଏଲ୍ ଇ ଡି ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଚେକ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏ ଯେଉଁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ଆପଣ ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେକ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନସଲ୍ ଚେକ୍ରେ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏଠି ଡେଟ୍ ପକାଇବା ମଧ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ କ୍ୟାନସଲ୍ ଲେଖିଦେଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ।